भगत सिंह ने जो 10 मास अज्ञातवास के बिताए वो उन्होंने कंपोजिटर और मशीन मैन के रूप में काम किया प्रताप में, अर्जुन सिंह के छद्म नाम से। लेकिन अर्जुन सिंह के छद्म नाम से काम करने के साथ साथ उनकी पिस्तौल और उनके हथियार भी उनके साथ रहते थे, जिन्हें छुपा कर रखना बहुत कठिन था। नवीन जी के संपर्क में उन्होंने अपनी हिंदी और संस्कृत भी परिष्कृत, और इस तरह कभी कंपोजिटर, कभी मशीन मैन और कभी रिपोर्टर बने भगत सिंह। चांद का फांसी अंक संपादित कर 10 माह के अज्ञातवास में पत्रकार बने भगत सिंह लाहौर चले गए। अब तक पुलिस की निगाह में वे खतरनाक लेखक और क्रांतिकारी हो चले थे। लाहौर में कीर्ति अखबार के दफ्तर से भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण स्वयं भगत सिंह को भी पता नहीं चला। अदालत में जाने पर पता चला लाहौर में दशहरे को जो बमकांड हुआ था उसमें भगत सिंह का हाथ था। भगत सिंह जैसे उच्च आदर्श वाले क्रांतिकारी ऐसा काम सपने में भी सोच नहीं सकते थे। स्पष्ट था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा था। यह भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी थी। जेल ने उन्हें तप्त स्वर्ण सा निखार दिया। 30 अक्टूबर 1928, सारा देश साइमन कमीशन के खिलाफ खड़ा था। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कमीशन लाहौर आया। लाहौर में प्रदर्शन भगत सिंह के दल भारत नौजवान सभा के नेतृत्व में हो रहा था। भगत सिंह लाला लाजपत राय को अगुवाई के लिए ले आए। भीड़ अपार। लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट अपने अफसरों के साथ स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने मौके की नजाकत हाँपी। अपने विश्वसनीय पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को लाठीचार्ज का आदेश दिया। सैंडर्स ने आओ देखा न ताओ पंजाब केसरी के सिर पर लाठी से वार कर दिया। उसे वही सबकी अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहा। उसने जड़ पर ही हमला करना उचित समझा। भीड़ एक सभा में बदल। लालाजी को गहरी चोट आई, पर चोट जितनी शारीरिक थी उससे भी ज्यादा कहीं मानसिक। मानसिक पीड़ा इस बात की थी 33 करोड़ जनता के नेता को एक द्वयम दर्जे के पुलिस अफसर ने बेरहमी से मारा। उन्होंने चोट खाकर गिरने से पहले कहा था, मैं घोषणा करता हूं कि जो चोट मुझ पर पड़ी है वो भारत में अंग्रेजी शासन के कफन के आखिरी कील साबित हो। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। वे शहीद हुए। उनकी मौत से सारे देश में शोक की लहर दौड़ी। साथ ही अंग्रेजों के विरोध में क्रोध का जहर भी फैल गया। भगत सिंह ने वक्त की नजाकत को अपनी क्रांति दृष्टा, अपनी भविष्य दृष्टा आंखों से भांप। उन्होंने दल के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव था लालाजी की हत्या का बदला। 17 दिसंबर 1928, राजगुरु पैदल, भगत सिंह दल के कमांडर चंद्रशेखर आजाद के साथ साइकिल पर। भगत सिंह और राजगुरु बिजली की तरह तेजी से झपके और सैंडर्स का पल भर में वध हो। आजाद ने पीछा करने वाले सिपाही का काम तमाम। खुली सड़क पर दिन दहाड़े पुलिस अफसर की हत्या। ब्रिटिश गवर्नमेंट को साफ सुन गया। सैंडर्स वध के समय सभी क्रांतिकारी लाहौर में थे। सभी को खतरा था, खासकर भगत सिंह को। लाहौर दशहरा कांड में पुलिस उन्हें पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस के पास उनका फोटोग्राफ था। आजाद ने योजना बनाई और कलकत्ता मेल से भगत सिंह फेल्ट हैट लगाकर एक साहब बने। दुर्गा भाभी साहब की पत्नी बनी। साथ में नन्हा सा बालक शची और मेले कुचेले वस्त्र पहने नौकर बना राजू। कलकत्ता चले। कलकत्ता में जैसे भगत सिंह का भावी भविष्य तैयार हो रहा था, फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला का कथन भगत सिंह के मन मस्तिष्क में उथल पुथल मचा रहा था। देश समझौते की ओर बढ़ रहा था। तब बड़े बड़े नेता अपने को बचाने के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण अपना रहे थे। तब भगत सिंह ने अपने आप को बलिदान कर इस निर्णय को उलट देने का निर्णय लिया। आठ अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली भवन जा पहुंचे। जैसे ही सर जॉर्ज शुल्टर ने असेंबली को सूचित किया कि वाइसराय ने बिल पेश कर दिया, भगत सिंह और दत्त उठ खड़े हुए। पहला बम भगत सिंह ने फेंका, दूसरा दत्त। धड़ाका इतनी जोर से हुआ कि लोगों के कान के पर्दे हिल गए। भगत सिंह ने रिवाल्वर निकाला,
हवा में दो फायर किए और लाल पर्चे बिखेर दिए। पर्चे का शीर्षक था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। बमों का धुआं जब साफ हुआ तो हाउस खाली हो चुका था। केवल कुछ सदस्य अपनी जगह बैठे थे, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। भगत सिंह के चेहरे पर गहरा तनाव था। प्रत्यक्षदर्शी आसफ अली के शब्दों में उन्होंने पुलिस कप्तान मिस्टर जॉनसन से कहा, चिंता मत करो, हम सारे संसार को बता देंगे यह हमने किया है और क्यों किया। यह भी बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांतिकारी शहीद वेला के अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। संसार के इतिहास में अनेकों बार इस ज्वलंत सच्चाई की घोषणा हुई है कि आप व्यक्तियों की हत्या कर सकते हैं, विचारों की नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए पर विचार आज भी जीवित हैं। फ्रांस के ब्रुआ और रूस के जार सब चले गए, जबकि क्रांतिकारी विजय की सफलता के साथ आगे ही बढ़ते चले गए। हमें स्वीकार करते हुए खेद होता है कि हम लोग जो मनुष्य के जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं, हम जो बड़े बड़े उज्ज्वल भविष्य के सपने देखते हैं जिसमें मनुष्य पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, उन्हें भी कभी कभी मानव रथ बहाना पड़ता है। क्रांति की देवी का अभिषेक करने के लिए जो सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगी, कुछ व्यक्तियों का बलिदान होना आवश्यक है, तभी मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण असंभव हो सके। हस्ताक्षर बलराज, कमांडर इन चीफ, यानी चंद्रशेखर आजाद। जेल में भी खाली नहीं बैठे भगत सिंह, उनका अध्ययन बराबर जारी। अनेक तो किताबें उन्होंने लिखी, अनेक तो किताबें उन्होंने अनुदित की। जेल में असंख्य किताबें उनकी आई, डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। यही नहीं, आयरलैंड के क्रांतिकारी टॉम ब्रिम की आत्मकथा भी जेल में उन्होंने अनुदित, और वह मेरी कहानी नाम से उसी समय उज्जैन से प्रकाशित भी हुई। छोटी अदालत ने जब उनसे क्रांति की व्याख्या चाही, भगत सिंह ने कहा, क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। एक और सबके लिए अन्न उगाने वाला कृषक सपरिवार भूखा मरता, सारी दुनिया के बाजार में कपड़े की पूर्ति करने वाला बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र तक नहीं प्राप्त कर पाता। ये भयंकर विषमता विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं समाज को अराजकता की ओर ले जाती। ये परिस्थिति सदा के लिए नहीं रह सकती। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही, और शोषकों के अबोध बच्चे करोड़ों शोषितों के बच्चों की भांति एक खतरनाक दरार के कगार पर। यदि सभ्यता के इस ढांचे को समय रहते नहीं बचाया गया तो नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। अतः क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, और जो लोग इस आवश्यकता को अनुभव करते हैं उनका एक कर्तव्य है कि समाज और समाजवादी आधार पर इस समाज का पुनर्गठन करें। जब तक यह नहीं होगा, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का, एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण होता रहेगा। क्रांति की इस वेदी पर हम अपना यौवन धूप बत्ती की भांति जलाने के लिए खड़े हुए। इतने महान ध्येय के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं माना जा सकता। हम क्रांति के उत्कर्ष की संतोषपूर्वक प्रतीक्षा भी करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों आदमियों की हत्या की, उस पर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। उसके विपरीत उसके देश के लोगों ने उसे लाखों के इनाम दिए। उसकी तुलना में हमें कमजोर बम बनाते जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, हमें आजन्म कैद और फांसी सुनाई जाती। किसी की भी हत्या करना हमारा इरादा नहीं है, द्वेष शब्द निकाल दीजिए बस। इसी दरमियान 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद एक विश्वासघाती के कारण शहादत को प्राप्त हो गए। 23 मार्च